केशव जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने अपने इतने कीमती वक्त में से, इतने कीमती समय में से हमारे लिए थोड़ा सा समय निकाला और आज हम अपनी ऑडियंस को, जो भी हमें देख रहे हैं आज इस पॉडकास्ट को, उनको हम बहुत कुछ बताने वाले हैं हमारे सनातन धर्म के बारे में, हमारी माई के बारे में। और अभी ना गुप्त नवरात्र स्टार्ट होने वाले हैं, उनके बारे में बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं। मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि आज हमारे साथ हैं आचार्य केशव जी, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर भी हैं और साथ ही साथ बगलामुखी उपासक भी हैं। केशव जी, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा आपसे गुप्त नवरात्रों के बारे में। नवरात्रि के बारे में तो हम सब ने सुना है, लेकिन आपने ही मुझे यहाँ पे, जब हम डिस्कस कर रहे थे ऑफ कैमरा, तो आपने ही मुझे बताया कि अभी गुप्त नवरात्र स्टार्ट होने वाले हैं, शुरू होने वाले हैं। मैं इनके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा कि ये नवरात्रि गुप्त नवरात्रि क्यों है। देखिए, हिंदू पंचांग के हिसाब से हम चार नवरात्र हमारे शास्त्रों में माने गए हैं, लेकिन दो नवरात्र गुप्त हैं और दो नवरात्र उजागर नवरात्र हैं, जो आप जानते हैं कि एक शारदीय नवरात्र होते हैं जो दिवाली के आसपास, दशहरे के आसपास आते हैं जी, और दूसरे नवरात्र अप्रैल में चैत्र के नवरात्र आते हैं, भरी गर्मी में आते हैं, ठीक है। लेकिन ये गुप्त नवरात्र हैं, ये नवदुर्गाओं की साधना से संबंधित नहीं है, ये महाविद्याओं की साधना से संबंधित है। ये दशम महाविद्या जो है, दस महाविद्या, उनकी साधनाओं से संबंधित है। तो गुप्त नवरात्र इसलिए बोले गए हैं ये, क्योंकि इनमें साधनाएं, पूजा पद्धति, संकल्प सब गुप्त रखा जाना चाहिए। अगर वो गुप्त नहीं हुआ तो आपका संकल्प पूरा नहीं होगा। तो एक फरवरी के आसपास आते हैं माघ गुप्त नवरात्र, माघ मास के गुप्त नवरात्र, और दूसरे आते हैं आषाढ़ गुप्त नवरात्र, जो 6 जुलाई से शुरू होने वाले हैं। तो इनमें साधनाओं को रात्रिकालीन साधना, नाइट में साधना करनी पड़ेगी आपको, दिन में नहीं बैठ सकते, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। सारी की सारी जो देवियां, दस महाविद्याएं, वो रात्रिकालीन है। अगर आप नाइट में नहीं बैठेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, दिन में, रात को ही साधना करनी पड़ेगी। ये जो टाइम है, अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है, अगर आपको ग्रोथ करनी है, नेम फेम मनी चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि निशीत काल क्या होता है जी। निशीत काल होता है 11 to 1, 11 से और 1 के बीच का जो नाइट का टाइम है, जब दो रातें मिल रही हैं, उसको हम निशीत काल बोलते हैं। तो उस समय इन देवियों की गुप्त नवरात्र में साधना की जाती है जी। मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि आपने बोला कि महाविद्याएं जो होती हैं उनकी उपासना होती है, तो जितना मैं थोड़ा समझ पाया, क्योंकि गुप्त नवरात्र नाम भी गुप्त जैसा ही है, तो क्या जब भी हम इनकी उपासना करते हैं या फिर जब भी हम पूजा कर रहे हैं गुप्त नवरात्रों में, तो क्या हमें किसी को बताना नहीं, ऐसा कुछ है? नहीं, इसका विधान ये नहीं है। इसका विधान ये है कि गुप्त नवरात्र में रात्रिकालीन जब आप पूजा करते हैं तो एकांतिक पूजा होनी चाहिए। ये नहीं है कि जैसे एक माता का जागरण होता है, उसमें 200-500 लोग हैं, दैट इज वेरी नाइस, वो बहुत अच्छा होता है, उसमें भक्ति होती है, रस होता है, सब होता है। लेकिन अगर आपको फल प्राप्ति करनी है रात्रिकालीन, तो आपको रात्रिकालीन पूजा करनी पड़ेगी, अपना मंत्र मानसिक जपना पड़ेगा आपको, मंत्र मन में होना चाहिए आपके, ठीक है। आपको किसी को जैसे ओम नमः शिवाय आप करते हैं तो सबके सामने में, जैसे माँ बगलामुखी के मंत्र हैं या फिर दशम महाविद्याओं के मंत्र हैं, माँ तारा के, कालिका के मंत्र हैं, तो गुप्त संकल्प हो, उपचार जैसे डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है वैसे उपचार होते हैं, 5 उपचार को पंचोपचार बोलते हैं, 10 उपचार को दशोपचार बोलते हैं, 16 तरह के उपचारों को षोडश उपचार बोलते हैं। तो देवी को जो भी आप प्रसाद चढ़ाएंगे वो गुप्त होना चाहिए, आपको और माई को पता हो, किसी तीसरे को ना पता हो, ना तीसरे को ना पता हो। तो सारे संकल्प गुप्त होंगे तो रिजल्ट जल्दी आएगा, अगर गुप्त नहीं होंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। आपने कभी सुना है किसी पॉलिटिशियन से कोई माइक लगा के पूछता है, सर आपके मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ है, व्हाट ही सेज, वो क्या बोलता है, कि ये दैट इज पर्सनल, ये नहीं बता सकते आपको, बिकॉज दिस इज बिटवीन लिसनर एंड स्पीकर जी। तो आप जो अपने आराध्य को बोल रहे हैं उसको पता हो और आपको पता हो जी। मैं काफी चीज समझ गया हूँ। एक और चीज मैं यहाँ पे जानना चाहूंगा कि आपने कहा कि यहाँ पे ना महाविद्याएं होती है, उनकी पूजा होती है, उनकी उपासना होती है, और जो नवरात्रे होते हैं, जो मतलब गुप्त के अलावा जो होते नवरात्रे, उनमें हम पूजा करते हैं बेसिकली माँ दुर्गा की या फिर नव दुर्गा की, तो मैं थोड़ा सा फ़र्क क्या होता है दोनों के बीच में, वो थोड़ा जानना चाहूँगा। देखिए, फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ। नव दुर्गाएँ जो हैं वो गृहस्थों की देवी मानी गई हैं। आप सात्विक तरीके से धूप दिया बत्ती करके आप आराम से पूजा कर सकते हैं, प्रसाद चढ़ा सकते हैं, वो आपको समृद्धि प्रदान करती हैं। लेकिन जब तंत्र साधनाओं की बात आती है, देखिए आमने होते हैं, आमने मीन्स कैटेगरी ऑफ द तंत्र, तंत्र की कई कैटेगरी है। जैसे एक कैटेगरी है सात्विक तंत्र, जिसको हम फॉलो करते हैं, जिसमें हम बलि प्रथा नहीं करते हैं, हम उसमें माई को प्रसाद चढ़ाते हैं, जप करते हैं, अर्चन करते हैं,
शहद चढ़ाते हैं, केसर चढ़ाते हैं, अच्छे अच्छे चीज़ों से, अच्छे द्रव्यों से उनका उपचार करते हैं, सुगंधित से। ठीक है, ऐसे ही जो तंत्र वामाचार फॉलो करते हैं, इसको बोलते हैं दक्षिणाचार। वामाचार जो है पद्धति, उसका मतलब क्या है, बलि देना या शमशानवासी होना, वो एक अलग पद्धति है, वो एक अलग साधना है। जो तीसरा है मिश्राचार, नवाचार, समयाचार, अलग अलग साधनाएं होती हैं। तो महाविद्याएं भगवान शंकर की सहचरी मानी गई हैं, भगवान शंकर को सृष्टि चलाने में जो मदद करती हैं दस देवियां, वो महाविद्याएं हैं। इनको आप अलग अलग प्रयोग करके सिद्ध करते हैं अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, भोग देने वाली हैं और योग भी देती हैं। ठीक है, नव दुर्गाएं जो हैं वो गृहस्थों की देवी मानी गई है शास्त्र के हिसाब से। अब जैसे पहली महाविद्या कालिका है, माँ काली जिसको बोलते हैं, दूसरी महाविद्या तारा है। अगर आप माँ काली और माँ तारा की फोटो देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, दोनों सेम दिखेंगे जी, लेकिन माँ तारा के बाल सर्प जैसे हैं, जैसे सांप लटक, करली हेयर्स जिसको कहते हैं, करली नहीं है, सांप ही है वो, सांप ही सर्प है। माँ तारा को मोक्षदायिनी बोला गया है और इनका सिद्ध पीठ जो है वो बंगाल में वीरभूमि जिले में तारापीठ भी है, उसको वहाँ सिद्ध महाशमशान बोला जाता है, वहाँ की साधनाएं फलित होती हैं। तो काली है, तारा है, षोडशी है, भैरवी है, छिन्नमस्तिका है जिनको चिंतपूर्णी भी बोलते हैं, इनका शक्ति भी झारखंड में रजरप्पा मंदिर है, धूमावती भी है, भुवनेश्वरी है, माँ राजराजेश्वरी बगलामुखी पीताम्बरा महामाई है, मातंगी है, और लक्ष्मी कमला है, कमला को ही लक्ष्मी बोलते हैं। तो इन दस महाविद्याओं की साधना अपने जीवन में दस तरीके के संकल्पों को पूर्ति करने के लिए की जाती है जी। केशव जी, आपने ना महाविद्याओं के बारे में बताया, दस महाविद्याओं के बारे में बताया, इनमें से ना काफ़ी ऐसे हैं जिनके बारे में ना हम सुनते रहते हैं बार बार, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इनके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है और कुछ खास पता नहीं है, और शायद मेरे जैसे काफ़ी लोग और भी हों। तो मैं इनमें से ना आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगा बगलामुखी माँ के बारे में, उनकी मैं थोड़ी सी ना हिस्ट्री जानना चाहूँगा कि वो कहाँ से शुरुआत हुई, क्या उनका सिग्निफिकेंस है और क्यों उनकी उपासना कारगर होती है, कैसे होती है। देखिए, पहला सवाल आपने पूछा कि लोगों को, सिटी में रहने वाले लोगों को या हम सब लोगों को इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। जानकारी इसलिए नहीं है क्योंकि 95% लोग इस धरती पर आएंगे और बिना भगवती को जाने निकल जाएंगे जी, बिकॉज वो उनका पर्पस नहीं है, देयर पर्पस ऑफ लाइफ इज डिफरेंट। 5% लोग जान पाएंगे, जिनको माई चाहती है कि वो जान पाएंगे, उसमें से 2-4-5% साधक बन पाते हैं। दूसरा सवाल आपका था कि आप माँ बगलामुखी के बारे में जानना चाहते हैं। पहला प्रश्न ये हो सकता है कि माँ बगलामुखी के बारे में ही क्यों। देखिए, ये भी है, कलयुग के चार देवता हैं, कलयुग में अच्छा रिजल्ट देने वाले चार देवता हैं, कलयुगी देवता बोले गए हैं वो, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, ये कृष्ण के, राम के, भगवान श्री राम के युग थे, लेकिन ये कलयुग है जी। कलयुग में सूर्य की नहीं, सूर्य के राजा की नहीं, राहु की चल रही है। राहु को कलयुग का राजा माना गया है और राहु जो है वो चार ही देवताओं से भयभीत है। अगर आप चाहते हैं राहु आपको ना पहुंचाए तो आपके चार देवता ये ईष्ट देवता होने चाहिए, पंचमुखी हनुमान जी, माँ कालिका जी, माँ श्री बगलामुखी, और चौथे हैं काल भैरव या बटुक भैरव। क्यों? क्योंकि इनके हाथ में हंटर है, दैट मीन्स पार्श्व जी, और उससे 9 ग्रह डरते हैं। एक चीज और है केशव जी, इनको मेरे ख्याल से तीव्र देवता भी कहा जाता है। तीव्र देवता जी, तीव्र देवता भी हैं, रौद्र देवता भी हैं। कलयुग में रौद्र देवता जल्दी असर करते हैं, सौम्य देवता आपकी परीक्षा लेते हैं। अच्छा, परीक्षा देना तो किसको पसंद है, हमने भी अपनी 10th क्लास की परीक्षा में 65% मार्क्स आए थे, तो परीक्षा देना तो किसी को पसंद नहीं है। 12th में हम फेल भी हो गए थे जी, हमारे पेरेंट्स ने बोला इस बच्चे का क्या फ्यूचर है, लेकिन माई तो देख रही थी ना वहां से, माई ने तो फ्यूचर रातों रात बना दिया जी। तो मेरा कहने का तात्पर्य है इनकी साधना क्यों करें। देखिए, अगर आप सोशल मीडिया की लाइन में हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, वकील हैं, जज हैं, या कोई ऐसा कार्य आप करते हैं जहां लोग आपका फेस देखते हैं, वाणी सुनते हैं जी, या आप इन्फ्लुएंसर हैं जी, तो माँ बगलामुखी से बड़ी देवी इस पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। इनका पूरा नाम अगर आप सुनेंगे तो नाम सुनने में आपको इतना आनंद आएगा। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे बगलामुखी का मतलब क्या है। देखिए, ज़्यादातर लोग या ज़्यादातर पुस्तकें जिन्होंने कम पढ़ी हैं या फिर जिनको जानकारी नहीं है, वो मानते हैं कि माँ बगलामुखी का मतलब है बगले के समान दिखने वाली देवी या बगुले पे बैठी हुई देवी, विच इज टोटली रॉन्ग जी। बगला एक शब्द है जो अपभ्रंश हो गया, बिगड़ गया बाद में, उसका एक्चुअल मीनिंग था वल्गा, वल्गामुखी है, वल्गामुखी, ये वल्गामुखी है।
और वल्गा मुखी बाद में बगला मुखी हो गया। वल्गा इट्स अ कवच ये कवच है, इसको ब्रह्मास्त्र भी नहीं भेद सकता इस कवच को, क्योंकि ब्रह्मास्त्र की विद्या माँ बगला मुखी है। ब्रह्मा जी ब्रह्मास्त्र देते हैं, लेकिन मंत्र किसका लगता है? माँ बगला मुखी का मंत्र लगता है। अच्छा हाँ केशव जी, आपने जैसे बताया बगला मुखी माँ के बारे में हमने बात की अभी, लेकिन जितना मैं जानता हूँ मुझे ना बगला मुखी माँ के बारे में इतना नहीं पता है, क्योंकि मैंने इससे पहले शायद नहीं सुना है, और शायद मेरे जैसे और भी काफ़ी लोग होंगे जिनको नहीं पता इनके बारे में। तो मैं थोड़ा जानना चाहूँगा इनके बारे में, बगला मुखी माँ कौन है, क्या इनकी हिस्ट्री रही है, और हमें इनकी उपासना क्यों करनी चाहिए। देखिए मैं आपको शुरू से समझाता हूँ, आप दो लाइन का संस्कृत का श्लोक जान लीजिए पहले। जीवाग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रुन पर पीड़यंतीम गदा विघातेन च दक्षिणेन पीताम्बर ढ्याम दीपजम नमामि। इसका मीनिंग क्या है वो आप सुनिए। भगवान श्री हरि विष्णु नारायण जहाँ रहते हैं क्षीर सागर में, वहाँ मणिमंडप लोक है। मणिमंडप लोक इज द प्लैनेट और आइलैंड ऑफ कैश, उसके जो रक्षक हैं या क्षेत्रपाल हैं वो है स्वर्णाकर्षण भैरव। तो वहाँ जो देवी निवास करती है, दो भुजा वाली और चार भुजा वाली भी है वो, एक हाथ में पार्श्व है, दूसरे में शत्रु की जीवा है, तीसरे में गदा, चौथे में मुद्गर है, और वो सोने के समान चमकने वाली देवी है। उस स्वर्ण आकर्षणा देवी को माँ भगवती पीताम्बरा राजराजेश्वरी त्रिविद्या, त्रिविद्या क्यों, क्योंकि वो तीन देवियाँ इसके अंदर समाहित हैं, लक्ष्मी सरस्वती और कालिका, सिद्ध विद्या और पराविद्या। एंड व्हाट इज द मीन ऑफ पराविद्या हियर, पराविद्या का मतलब क्या है, इसके साधक पर कोई भी पराविद्या, कोई टोना टोटका जादू तंत्र मंत्र असर करेगा ही नहीं। अच्छा। तो माँ बगला मुखी में बगला का मीनिंग क्या है, बगला का मतलब क्या है, एक्चुअल वर्ड है वल्गा, वल्गा मुखी है ये, बाद में इसको बगला मुखी बोला गया। वल्गा इज जस्ट लाइक ए कवच, ये वल्गा मुखी एक कवच है। अगर आप बगला मुखी साधना करते हैं तो वल्गा कवच आपको प्रोटेक्ट करता है शत्रुओं से, नवग्रहों से, ब्रह्म राक्षस से, डाकनी शाकनी से, हर एक तरह के तंत्र से, भूत प्रेत पिशाच सबसे आपको बचा के रखेगा। उनकी हिम्मत ही नहीं होगी आपको छूने की। आप बोलते हैं ना कि हनुमान जी की साधना से हमें ये मिलता है, हनुमान जी माता के सेवक हैं, भैरव इनके सेवक हैं। जब ये जोड़े में चलते हैं तो पहले हनुमान जी चलती हैं, फिर माता चलती हैं, फिर योगनियाँ चलती हैं, और फिर चलते हैं भैरव। तो अगर भैरव की, हनुमान जी की, योगनियों की कृपा तो आपको वैसे ही मिल जाएगी। ये तो आपने सही कहा। हाँ, तो माँ बगला मुखी क्या है, माँ पीताम्बरा भी इनको कहते हैं क्योंकि ये पीत वर्णा है। बगला मुखी का एक्चुअल मीनिंग शास्त्र में अगर देखेंगे ना तो बगला मुखी एक ऐसी देवी है जो ब्रह्मांड में सबसे सुंदर देवी मानी गई है। ठीक है, तो दुल्हन के समान दिखने वाली, सौंदर्य वाली ब्रह्मांड नायिका चंद्रमुखी इनको बोला गया है। ये चंद्रमा के समान चमकने वाली देवी है और सबसे जबरदस्त आकर्षण स्तंभन इन देवी में। और लोग बोलते हैं क्रूर देवी है, ये क्रूर देवी नहीं है। जो बोलते हैं कि बगला मुखी महामाई क्रूर देवी है, वो क्रूर नहीं है, वो नहीं जानते माता को। उनसे ज़्यादा दयालु, उनसे ज़्यादा कृपा पात्र त्रिदेव तक, त्रिदेव भी नहीं होंगे, त्रिदेवता जो त्रिदेव हमारे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश जी, उनसे भी ज़्यादा कृपा देती हैं। अब आपने बोला हिस्ट्री, तो देखिए माता तो हिस्ट्री की भी हिस्ट्री है। ये तो है, ये है माई तो हिस्ट्री की भी हिस्ट्री है। हिस्ट्री चमका भी सकती है वो और बिगाड़ भी सकती है। अब हमें तो अपने भोजन की परवाह है, लेकिन माई को तो सबके भोजन की परवाह है। उनको विश्व की अम्बा बोलते हैं, विशंबरा, क्योंकि उनको तो चींटी को भी भोजन देना है, हमें भी भोजन देना है। तो अब सीक्रेट क्या है माँ बगला मुखी का, वो आप सुनिए जी। बगला मुखी स्तंभन की देवी है, किसी भी चीज को रोक देती है, तंत्र हुआ उसको रोक दिया। रामायण के युद्ध में देवासुर संग्राम जब हुआ रावण का और भगवान श्री राम का, तो मेघनाथ को ने शक्ति चलाई ब्रह्मास्त्र, और वो लक्ष्मण जी को लगा वो निढाल हो गए। संजीवनी आने से पहले, जब हनुमान जी संजीवनी लाए थे, संजीवनी, तो उससे पहले वो निढाल हो गए। मेघनाथ ने उनकी बॉडी उठाने की कोशिश करी, लेकिन वो उठा नहीं पाया, क्योंकि माँ बगला मुखी ने लक्ष्मण जी की बॉडी को स्तंभित कर दिया वहीं। क्यों? क्योंकि वो राम की कुल देवी है। अच्छा। और रावण की भी कुल देवी है निकुंबला, वही बगला मुखी है, वही मुंबई में बैठी हुई मुंबा देवी है, वही ज्वालामुखी है, वही गुजरात की अंबाजी है, और वही पंजाब की चिंतपूर्णी है। ये किसी को नहीं पता है। अगर ये पता लग जाए, बोलते हैं ना एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, अगर ये आपने साध लिया, माँ बगला मुखी पीताम्बरा राजराजेश्वरी को आपने साध लिया, तो किसी मंदिर में आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका हृदय ही मंदिर बना देगी जी। के आप समझे मेरी बात, हृदय ही मंदिर बन जाएगा आपका। माँ बगला मुखी की साधना से आपको बोलने में इनको वाक सिद्धि मिलती है। देखिए
आपको पता है कि सरस्वती, कितनी सरस्वतियाँ हैं? तीन सरस्वती मानी गई है हमारे शास्त्र में। सरस्वती जो ब्रह्मा जी के साथ बैठती हैं, ब्राह्मणी जिनको बोलते हैं जी, एक है महासरस्वती, माँ तारा, माँ बगलामुखी का स्वरूप है वो हम सब ज्योतिष करने वालों की या तंत्र करने वालों की देवी है महासरस्वती। आपको वाक सिद्धि देती है, वो आप बोलते हैं चीजें फलित कर देती हैं, लेकिन इसमें साधक के अंदर अहम भाव नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम में आप बैठे, आपके नंबर अच्छे आए, अगर आप चाहते हैं किसी को अप्रोच करें आप किसी भी चीज के लिए, बिजनेस के लिए, पर्सनल प्रोफेशनल, आपके कार्य बन जाए, तो माँ बगलामुखी आपके लिए सबसे अच्छी देवी है। भगवती दयावान है और कृपा ही कृपा बरसाती है, तो ये माँ बगलामुखी की शक्ति जी। यानी कि लोग बोलते हैं ना कि भाई कभी बुरा नहीं बोलना चाहिए खुद के लिए, क्योंकि लोग कहते हैं कि क्या पता किस मोमेंट पे हमारे जीवा पर सरस्वती जी विराजमान हो। और जो तीसरी सरस्वती की मैं बात कर रहा था वो तंत्राचार्यों की सरस्वती है, माँ मातंग की जी, जो सम्मोहन की सबसे बड़ी देवी मानी गई है, वशीकरण की देवी मानी गई है। ये तंत्र विद्याएं हैं, ये देवियां हैं। आप ये देखिए आप कहाँ रहते हैं, हम लोग शमशान में तो रहते नहीं है जी, हम सिटी में रहते हैं। अब सिटी में हम क्या कर सकते हैं, हम सिटी में इतना ही कर सकते हैं, उठें अपने ऑफिस जाएं, पानी पिए, भोजन करें और सो जाएं। माता पिता हैं तो उनके पैर छू लें, अगर आपका मन है, छूना तो चाहिए शास्त्र के हिसाब से। और माता पिता अगर नहीं है तो भगवान को प्रणाम कर सकते हैं। तो इसमें माँ बगलामुखी की साधना आराम से की जा सकती है, कोई समस्या नहीं है। सात्विक साधना जी, इसमें कोई समस्या नहीं है। तंत्र की देवी है लेकिन श्री कुल की विद्या है जी। और एक बात आप मान के रखिए, तंत्र की सबसे बड़ी अधिष्ठात्री और महापराकाष्ठा विद्या है ये। इसका मतलब ये है, इनके साधक को मैं दोबारा ये बलपूर्वक आपको बोल रहा हूँ, मैंने एक बार और बोला, नो वन कैन टच द डिवोटी ऑफ बगलामुखी इफ माँ बगलामुखी राजराजेश्वरी इज गिविंग ब्लेसिंग टू दैट चाइल्ड। उसको कोई टच नहीं कर सकता, कोई टच नहीं कर पाएगा उसे। ये हमारा, लोग हमें एक्सपीरियंस बताते हैं, हमारे गुरु महाराजों ने हमें एक्सपीरियंस बताया। हिमाचल में जब हम गए तो ऐसे ऐसे साधक हमने देखे हैं जो मंत्र से बारिश करा सकते हैं अपने ऊपर, गर्मी में भी अपने ऊपर मंत्र से बारिश बताइए, लेकिन वो मीडिया में नहीं आएंगे, टीवी पे नहीं आएंगे, उनको जरूरत ही नहीं है, दे आर हैप्पी देयर। तो आप सब कुछ पा सकते हैं माँ की साधना से। अंत में मैं एक चीज आपको आखिर में इस प्रश्न के लिए आपको बताता हूँ जी, भगवती की साधना से ऐसा बोला जाता है कि आपका भोजन नहीं रुकता कभी, आपकी दाल रोटी चलती रहती है, नहीं ये गलत है। आपको इतना मिलता है कि औरों को भी बांटने लग जाते हैं। शास्त्र में लिखा है सुंदरी की साधना योग और भोग दोनों दे सकती है। सुंदरी मतलब महासुंदरी, त्रिपुर महासुंदरी देवी की साधना से योग प्लस भोग दोनों मिलता है। जब तक आप जीते हैं आप लग्जरीज भोगते हैं, लेकिन आपके अंदर अहम नहीं आना चाहिए, आपके पैर धरातल पे जमीन पे रहने चाहिए। और जब आपको मोक्ष भी मिल सकता है अगर आप तपस्या करें तो दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू एंड दिस इज ऑन यू, व्हाट यू वांट फ्रॉम द गॉडेस। यू वांट मनी, शी विल गिव यू मनी। यू वांट फेम, शी विल गिव यू फेम। लेकिन आपको किसी के साथ अन्याय नहीं करना है, आपको सबको साथ लेके चलना है जी। एक होता ना, ईगो नहीं आनी चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। केशव जी, क्या कोई स्पेशल मंत्र भी है बगलामुखी माँ जी के बारे में? माँ बगलामुखी की तो इतने मंत्र हैं कि 50 साल भी कम पड़ जाएंगे जी। महाविद्या से रामकृष्ण परमहंस हुए, उन्होंने माँ कालिका की साधना की, पूरा जीवन उसी में निकल गया। उनके गुरु थे तोतापुरी, हरियाणा के थे वो, उन्होंने साधना करी, उनका जीवन पूरा एक देवी की साधना में निकल गया। ऐसे कई बड़े बड़े विद्वान साधक हुए हैं, जैसे दिनकर ओझा एक बहुत बड़े, मैं आपको दिनकर ओझा की कथा सुनाता हूँ, आप उसको सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जी। आप सुनना पसंद करेंगे जी? बिल्कुल। देखिए, दिनकर ओझा एक बड़े महातांत्रिक थे, इतने बड़े तांत्रिक, मैं आपको ये एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वो माँ बगलामुखी के बहुत बड़े उच्च कोटि के उपासक थे। जिस शहर में, जिस नगर में वो रहते थे, उसके राजा ने उनको बोला कि भाई आज पंचांग आपको देखना है, कुछ भी, उनको अपने दरबार में बुलाया। और वहां वो बोलकर आ गए कि आज पूर्णिमा का चांद निकलेगा, और उस दिन क्या थी, अमावस। अमावस को तो चंद्रमा निकलता ही नहीं है, और वो बोल के आ गए। बाद में उन्हें पता लगा कि अगर ये राजा को पता लग गया तो मुझे तो मृत्यु दंड दे देंगे, फांसी पे चढ़ा देंगे जी। तो उन्होंने इतनी, हम आज के लैंग्वेज में बोलते हैं, इतनी तगड़ी मंत्र साधना, इतनी जबरदस्त मंत्र साधना करी कि माई ने चंद्रमा की तरह उस रात्रि में प्रकाश कर दिया अपने भक्त का मान रखने के लिए। और राजा को क्या लगा, आज तो पूर्णिमा है, ये देखिए ये कृपा है माई। उनको उनको उनकी तपस्या करने वाला एक सामान्य व्यक्ति, जब उसको राजा ने दंड देना चाहा,
वो दौड़ा और बचने के लिए नाले में, गंदे नाले में कूद गया। भगवती ने उसे चंपा के फूलों से भर दिया उस नाले को। ये कृपा है माई की। तो माँ भगवती कोई भी अवतार हो, कोई भी रूप हो, माँ बहुत दयालु है। माँ चाहती है कि आप उनके चरणों में वास करें, आप उनकी कृपा पात्र बने। ये हमारे ऊपर है कि हम समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे जीवन में। अगर आपको एक अच्छा मेंटोर मिल जाता है, उचित गुरु मिल जाता है, तो आपको भगवती की साधना जरूर मिलेगी। जी, एक और चीज़ केशव जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आपने बताया कि वैसे अगर हम देखें, हम सभी के इष्ट देव अलग अलग होते हैं, कुल देवता अलग होते हैं, और इतने सारे मंदिर होते हैं हमारे आसपास में, घरों में भी मंदिर होते हैं आजकल। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पूजा हमें एग्जैक्टली कहाँ करनी चाहिए? देखिए, पूजा के भी अलग अलग विधान हैं। जैसे लाल किताब में लिखा हुआ है कि अगर आप पूजा नहीं कर सकते तो मंदिर ना रखें। जी, मेरी भी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, अगर आप चाहते हैं कि देवता की मूर्ति धूल ही खाते रहे तो ना लाएं देवता को। आप जैसे हम बोलते हैं ना, अगर आपको डॉगी घर में रखना है या फिर आपको कोई सामान लाना है तो कम से कम उसकी सफाई करें। तो देवता तो हमसे ऊपर है, वो सर्वोपरि है, तो उनको भोग प्रसाद देना, नित्य स्नान कराना, आसन देना, ये सब बहुत जरूरी है। अगर आप अपने आप को साधक नहीं मानते, अगर हम मानते हैं कि मंदिर में आप जैसे बैचलर्स हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है, और वो पूजा नहीं कर सकते, तो आसपास के शिव मंदिर में चले जाएं, दुर्गा मंदिर में चले जाएं, हनुमान मंदिर में चले जाएं, वहाँ प्रणाम करें, प्रसाद चढ़ाएं। अगर आप प्रॉपर मंदिर घर में रखना चाहते हैं तो उसका नियम है वो नॉर्थ ईस्ट में रखा जाना चाहिए, ईशान कोण में मंदिर रखा जाए, नंबर वन। नंबर सेकेंड ये है कि आप उसमें 5 देवताओं से ज़्यादा मूर्ति ना रखें। पंच देवता का विधान है। जैसे आपके घर के ओनर आपके पिता हो सकते हैं, माता हो सकती है, उसी तरह से हर मंदिर का एक प्रधान देवता होता है, मेन सुप्रीम एंटिटी। जैसे बड़ी, आपने देखो ना किसी मंदिर में कृष्ण की बड़ी फोटो लगी हुई है, बाकी नॉर्मल पिक्चर्स लगाई हुई है, बाकी छोटी हैं थोड़ी। हाँ, मूर्ति का एक विधान है, मूर्ति 9 इंच से बड़ी नहीं होनी चाहिए। वास्तु के हिसाब से 9 इंच से बड़ी मूर्ति नहीं होनी चाहिए। अगर आप शिवलिंग रखते हैं अपने घर में तो ये जो अंगूठा है, जिसका जो ऊपर वाला भाग है, अंगुष्ठ का ऊपर वाला भाग, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। छोटा शिवलिंग रखने का विधान है घर में। क्रिस्टल का रख सकते हैं, काला शिवलिंग नहीं रख सकते आप। काला ना रखें घर में, जो डार्क शिवलिंग होता है वो घर में नहीं रखा जाता। नर्मदेश्वर रख सकते हैं, जो नर्मदा नदी से निकलते हैं जी, या फिर आप क्रिस्टल के शिवलिंग रख सकते हैं, दैट्स इट। आपने मंदिर के बारे में पूछा था, 5 मूर्तियाँ फोटो लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। डेली प्रसाद, धूप, दीपक, ये आपको जरूर करना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में आपका मंदिर होना चाहिए। अगर आप साधक हैं किसी देवी देवता के, तो फिर आपके पास कवच, माला, आसन, ये सब भी होना चाहिए, वो गुरु आपको बताते हैं। माँ बगलामुखी के बारे में हमने डिस्कस किया, मैं अब थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा माँ धूमावती के बारे में भी। माँ धूमावती देखिए सप्तम महाविद्या है, अष्टम महाविद्या माँ बगलामुखी है, और सप्तम महाविद्या माँ धूमावती को बोला गया है जी। धूमावती वेधव्य विधवा स्वरूप में है। अब इसकी कथा आप सुन लीजिए जी, इससे बड़ी कथा इस ब्रह्मांड में नहीं मिलेगी। आप माँ के स्वरूप पे ना जाएं। जैसे हमारे घर में हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, उनके स्वरूप पे नहीं जाते, हम उनको आदर सम्मान देते हैं जी। अगर आप ब्लेसिंग्स पाना चाहते हैं तो आप माई के स्वरूप पे ना जाएं। भगवान शंकर कालांतर में एक राक्षस को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो दुराचारी हो जाता है। कहने का मतलब, एक राक्षस था जो माता का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन उसने कुछ गड़बड़ कर दी होगी। गड़बड़ हम भी कर देते हैं, राक्षस तो गड़बड़ करने के लिए पैदा होते हैं, आपको पता है। तो उसने कोई गड़बड़ ऐसी कर दी होगी कि भगवान शंकर त्रिशूल लेके दौड़े उसके सामने। माँ पार्वती का जो स्वरूप था, माँ धूमावती, अपने भक्त की मान सम्मान और आन की रक्षा करने के लिए भगवान शंकर को निगल गई, वो खा गई, वो भगवान शंकर को। हाँ, अपने भक्त का की रक्षा के लिए, अपने पति को खा जाने की वजह से माँ भगवती विधवा स्वरूप में आ गई, उसको धूमावती कहा। ये धूमावती की कथा है। धूमावती अलक्ष्मी कहलाती है, ज्येष्ठा मतलब बड़ी देवी, थोड़ी एजेड है, थोड़ी एज में बड़ी दिखती है, रिंकल्स हैं उनके फेस पे। वो हाथ में सूप लेती है। सूप पता है आपको क्या है? गाँव में सूप से अनाज को साफ किया जाता है, वो हमारे हाँ, में छाज कहते हैं, छाज जी, सूप। कौवे की सवारी करती है, और कई मंदिरों में तो इनको कबूतर भी चढ़ते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन सात्विक जो पूजा पाठ होती है माँ धूमावती की, बहुत कठिन शास्त्रों में मिलेगी, क्लिष्ट है, बहुत मुश्किल से मिलेगी। माँ धूमावती का एकमात्र सिद्ध मंदिर मध्य प्रदेश में है, और दूसरा, आप इनको कचौड़ियाँ चढ़ा सकते हैं, आप इनको सेव चढ़ा सकते हैं। सेव का मतलब तले हुए जो भजिए नहीं होते, नमकीन। अच्छा। वो चढ़ते हैं, तीखा भोजन चढ़ता है।
और दूसरी बात, एक तीसरी बात मैं आपको बताता हूँ, माँ धूमावती है बड़ी बहन मतलब ज्येष्ठा जी, और छोटी बहन है लक्ष्मी कनिष्ठा जी, लक्ष्मी अलक्ष्मी। तो जब माँ धूमावती आपसे प्रसन्न होंगी साधना से, वो बोलेंगी तथास्तु, मैं अब तेरे घर से जा रही हूँ, मैं जाऊँ, मतलब वो दरिद्रता की देवी है जी जी, फटे कपड़ों में, खंडरों में, शमशान में, इनमें वास करने वाली महाविद्या है वो। तो जैसे ही उनकी ब्लेसिंग मिलती है वो चली जाती है, फिर लक्ष्मी का आगमन होता है आपके, यानी कि वो जाएंगी तो लक्ष्मी जी आएंगी। हाँ, तो कभी, इसलिए ज्योतिष में बोला गया फटे कपड़े कभी नहीं पहनने चाहिए, धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए, ताकि शुक्र की कृपा हो, और माँ धूमावती की फोटो मंदिर में नहीं लगा सकते, अपने घर के मंदिर में नहीं लगा सकते। इसीलिए आपने कहा कि एकमात्र सिद्ध मंदिर है मध्य प्रदेश में। हाँ, जी मध्य प्रदेश में, इसीलिए यही एक रीजन है कि ज्यादा मंदिर नहीं है सिद्ध। देखिए ऐसा है, कुछ ऐसी विद्याएं हैं जो तलवार की तरह भी काम करती है और चाकू की तरह भी काम करती है जी, सारी की सारी महाविद्याओं का दुरुपयोग भी हो सकता है। षटकर्म की देवी है, मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन सम्मोहन विद्वेषण, तो आप चाकू से सेब भी काट सकते हैं, मरीज के लिए किसी की गर्दन भी काट सकते हैं जी। तो भगवान शंकर ने इन मंत्रों को शापित कर दिया कि कोई राक्षस इनका दुरुपयोग ना कर पाए। तो गुरु जब आपको मिलेंगे वो श्राप विमोचन करेंगे, मतलब ताले को खोलेंगे चाबी से, आपको सिद्धि प्रदान करेंगे, आपको शास्त्र दीक्षा प्रदान करेंगे, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप इन मंत्रों का यूज कर सकते हैं। अभी ये मंत्र यूजलेस है, बिना गुरु दीक्षा के क्या है, जल बिन गगरी, मतलब जल नहीं है उसमें, वो मटका है खाली, गुरु दीक्षा की आवश्यकता इसीलिए है। और दूसरा, धूमावती की साधना सांसारिक जीवन में थोड़ी कम की जाती है, मना किया जाता है इसके लिए। आप अगर बाहर जाके पहाड़ पे, पर्वत पे थोड़ा ब्रह्मचर्य का पालन करके आप साधना कर सकते हैं। और एक आपको गजब की चीज बताता हूँ जी, धूमावती माता को सिद्ध करने के लिए न रुद्राक्ष की माला करते हैं रुद्राक्ष की माला से जब, लेकिन सिद्ध प्रयोग ये है, गधे के दांत की मालाएं लगती हैं, गधे के दांत की, और उसको बनाए केवल विधवा स्त्री, क्योंकि वो विधवा का स्वरूप है। तब तो एक माला में अगर आपके गुरु ने कृपा करी सिद्ध मंत्र दे दिया तो सिद्ध हो जाएगी ये, नहीं तो फिर सिद्ध नहीं हो पाएंगे। तो मेरी तो आपसे अनुरोध है कि माँ बगलामुखी साधना में क्या है, माँ बगलामुखी महालक्ष्मी का स्वरूप भी है, नारायणी शक्ति है, और यम नियम गुरुदेव, अगर गुरु के सानिध्य में आप रहते हैं तो आप करिए माए की साधना, कोई समस्या नहीं है, चालीसा पढ़े, स्त्रोत्र पढ़े। धूमावती की साधना हम लोगों को ज़्यादा बोलते नहीं है करने के लिए, क्योंकि वो नियमों का पालन करें ना करें हमें पता नहीं, उनका नुकसान नहीं होना चाहिए जी। हम ना काफ़ी देर से बात करें सिद्धि के बारे में, उपासना के बारे में, मैं थोड़ा सा आप जानना चाहूँगा, क्योंकि अभी आपने बोला कि उनकी उपासना करने के लिए, सिद्धि करने के लिए हम सबको नहीं बोलते हैं, तो अगर मान लो किसी से गलती हो जाती है बीच में, तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं जी? सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि महाविद्याओं की साधना में, देखिए हम तो माँ बगलामुखी साधना आपको बता सकते हैं, तो माँ बगलामुखी साधना कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता जी। पहली बात तो माँ स्वरूप में तो आप सभी कर सकते हैं, चालीसा पढ़ सकते हैं, प्रसाद लगा सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं। साधक उपासक कौन बन सकता है जी? साधक साधना और उपासना कौन कौन कर सकता है, ये अलग विषय है, ठीक है। तो जैसे मुझे ये पता है, हमें आपको भी पता होगा कि हेडेक हो गया तो क्या करना है, लेकिन डॉक्टर को तो पूरी इकोनॉमी एनाटॉमी पता होगी उसकी। इसी तरह से अगर आपकी जन्म पत्रिका में बृहस्पति बलवान है, जिसको जुपिटर बोलते हैं, तो अच्छा गुरु आपको मिल जाएगा जी। अगर आपकी जन्म पत्री में चंद्रमा बलवान है तो अच्छी माता आपको मिल जाएगी, चंद्रमा माता का प्रतीक है जी। और अगर आपकी जन्म पत्री में बृहस्पति और चंद्रमा दोनों साथ में बैठे हुए हैं, मेरी जन्म पत्री के एकादश भाव में बृहस्पति चंद्रमा साथ में बैठे हुए जी, उसको बोलते हैं गज केसरी योग, 100 सिंगों के बराबर दहाड़ हो जाती है, ठीक है। तो कहने का मतलब गजकेसरी योग अगर आपकी जन्मपत्री में कोई अच्छा योग है, गुरुचंद्र का योग है, या मंगल बलवान है, या वृश्चिक राशि को तंत्र की राशि बोला गया है, मंगल की राशि है, 8th नंबर राशि, तो वृश्चिक राशि तंत्र की राशि अगर वो अच्छी अवस्था में बैठी हुई है, तो आप मंगल चंडी स्वरूपा माँ बगलामुखी की के लक्ष्मी स्वरूप की पूजा कर सकते हैं, तांत्रिक स्वरूप नहीं, लक्ष्मी स्वरूप की, ठीक है। तो ये तो इसका क्राइटेरिया हो गया जी। उसके बाद फिर गुरु आपके पास अच्छी होनी चाहिए, जो आपको शिक्षा दीक्षा दे सके और आप चैंटिंग या जाप कर सके जी। और इसके अलावा क्या कुछ ऐसा भी है जिसके बारे में हमें स्पेशल ध्यान रखना पड़े जब हम उनकी साधना कर रहे हैं? देखिए सबसे पहले तो हम माँ बगलामुखी की साधना क्यों कर रहे हैं ये जानना आवश्यक है जी। आप अपने जीवन के कष्टों के निवारण के लिए, भगवती की कृपा पाने के लिए, दूसरा आप चाहते हैं कि आप रोग शोक दुख से दूर रहें, आप फेमस रहें,
मैंने बोला ना जैसे अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं तो आप अच्छे इन्फ्लुएंसर बने जी। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडियम जो है ये सब राहु का स्थान है, ये राहु के अंडर में आता है जी। ठीक है, तो राहु तब खुश रहेगा जब आप महासरस्वती की उपासना करेंगे, क्योंकि राहु क्या है, इल्यूजन, भ्रम है, भ्रम है। और भ्रम कौन तोड़ती है, सरस्वती, महासरस्वती। तो अगर महासरस्वती के भक्त या बच्चे आप हैं तो राहु आपका कुछ नहीं करेगा, आपको सपोर्ट करेगा जी। तो माँ बगलामुखी की साधना में आप भी ध्यान रखें, आप गुरु, गुरु आपके पास होना चाहिए, मेंटोर। आप यूनिवर्सिटी में भी जाते हैं तो गुरु आपके पास होता है, मेंटोर आपको बता देगा। अगर मेंटोर ने बोल दिया कि ये मंत्र है तो वही मंत्र फलित हो जाएगा, बट द मेंटोर शुड बी परफेक्ट। परफेक्शन का मतलब वो उसके पास ज्ञान हो, उसको पता हो सारी चीजें, वो प्रैक्टिस करता हो, वो कोलाचारी अच्छा उपासक हो, वो शाक्त धर्म का उपासक हो, उसे पता हो महाविद्याएं क्या हैं। तो वो अगर आपको गाइड करेगा तो गुरु आपके अच्छे होंगे, माई आपसे प्रसन्न रहेगी, आप अच्छा सात्विक नैवेद्य देंगे तो आपके ग्रह भी ठीक रहेंगे, शनिदेव भी आपसे प्रसन्न रहेंगे, दसों दिशाओं से आपकी वृद्धि होगी। आप इस साधना को, इस पूजा को करके देखिए। अभी जैसे गुप्त नवरात्र आ रहे हैं 6 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक, इसमें आप माँ भगवती बगलामुखी राजराजेश्वर की साधना करो, छोटी साधना करो, 1 माला जपो, 10 माला, 15 माला आपके ऊपर है, आप जप सकते हैं गुरु दीक्षा के बाद जी। मैं आपसे ना थोड़ा सा जानना चाहूँगा, आपने इतनी अच्छी तरीके से बताया कि हर कोई चाहेगा कि हमें बगलामुखी माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो, हम भी गुप्त नवरात्रों में उनकी उपासना करें, उनकी पूजा करें। मैं आपसे थोड़े से ना कुछ, अगर आपके पास हो कोई एग्जाम्पल हो, कुछ केसेस हो जो कि आए हों आप लोगों के पास या माँ बगलामुखी के पास, जिनको अच्छा फल मिला हो, ऐसे कुछ हो। तो आपने केसेस की बात की तो मैं आपको अपना ही एग्जाम्पल एक बता देता हूँ जी। कुछ लोगों के लिए वो अंधविश्वास भी हो सकता है, लेकिन हमारे लिए वो परम विश्वास है। देखिए, एक ऐसी पुस्तक थी, एक ऐसी बुक है जिसमें बगलामुखी के सारे शास्त्र, सारे रहस्य लिखे हुए हैं। जैसे एक बहुत बड़ी पुस्तक है मंत्र महाणव, धर्म सिंधु, ये भी ग्रंथ है, रुद्रामल तंत्री, बड़े बड़े ग्रंथ हैं। तो एक पुस्तक थी, मेरे कलेक्शन में सारी बुक्स हैं, लेकिन मेरे कलेक्शन में वो बुक नहीं थी। और वो बुक लाख प्रयत्न करने के बाद मिलती है, उसकी एक ही कॉपी थी और वो इंडिया में छपी थी, लेकिन कब, आजादी से पहले, आजादी तो से कराची पहले। की लाइब्रेरी में थी, वो इंडिया की लाइब्रेरी में ही थी पहले, लेकिन आजादी से पहले। उसके पब्लिकेशंस अब नहीं होते हैं, बंद हो चुकी है वो बुक। तो उस बुक के लिए मैंने कितना जुगाड़ लगाया कि वो 10-12 पेजेस की, उस समय उसकी रेट थी 7 पैसा, अब तो काफी हो गई होगी, लेकिन यहाँ हमारे बहुत मुश्किल से मिलेगी। वो किसी एक बहुत बड़े विद्वान ने उच्च कोटि के साथ अपने लिखी थी। मैंने 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल कोशिश करी, मुझे वो बुक नहीं मिली, मैंने सारे जुगाड़ लगा के देख लिए। लेकिन जब मैंने माई से प्रार्थना करी तो एक ऐसा व्यक्ति मुझे इंडिया में मिला जिसके पास उस बुक की कॉपी थी। वो कॉपी मेरे पास आई, और आप जानते हैं जब वो कॉपी मेरे पास आई, उस कॉपी में एक स्त्री का बाल था। अब इसको आप क्या, और उसके घर में कोई स्त्री नहीं, वो ब्रह्मचारी व्यक्ति है, उसने मेरे को कॉपी दी। उस नोटबुक में, उस कॉपी में, उस पुस्तक में, उस जेरोक्स में एक लेडी का बाल निकलता है। तो मेरे लिए तो यही आशीर्वाद है। लोगों के लिए अंधविश्वास हो सकता है, मैंने बोला ना हर कोई देवी को नहीं जान पाता, मैंने उसका अध्ययन किया, मुझे ज्ञान मिला और वो ज्ञान काफी लोगों के काम आया। तो कृपा करनी होगी ना माई को, देवी को कृपा करनी होगी, वो कहीं से भी कृपा कर देगी। अगर आप देवी में विश्वास रखते हैं, माँ बगलामुखी की साधना करते हैं, तो जरूर ध्यान रखना, एक काली बिल्ली पीले आंखों वाली हमेशा आपके आसपास रहेगी। यानी कि अगर लोग ये भी कहते हैं ना कि आपने ब्लैक कैट पाल ली, अच्छा पेट नहीं, जैसे मैंने गाड़ी हटाई तो नीचे ब्लैक कैट बैठी हुई थी, मुझे देख के वो चली गई। आज भी मेरे मोबाइल में फोटो, मैं आपको दिखा सकता हूँ, मैं एक होटल में जाता था भोजन करने के लिए अपने मित्रों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, तो वो काली बिल्ली वहाँ आती थी और वो चाहती थी मैं उसको फीड करूँ कुछ, और मेरे पास आके बैठ जाती थी, और मेरे पास उसकी काफ़ी फोटो है मेरे पास। तो काली बिल्ली विडालिका का रूप है, विडालिका माई की योगनी है, ठीक है, बगलामुखी माता की योगनी है। तो काली बिल्ली येलो आंखों वाली अगर आसपास है तो ये समझ लीजिए कि यूनिवर्स से आपको ब्लेसिंग मिल रही है जी, इट्स अ ब्लेसिंग। लेकिन लोग, पता है, ये तो आपने बताया तो मेरा भी थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया, वरना क्या होता क्या है केशव जी कि लोग ना काली बिल्ली को ना थोड़ा अपशगुन मानते हैं। ये हमारे लिए तो बहुत बड़ा शगुन है काली बिल्ली, हम तो चाहते हैं बिल्ली डेली रास्ता काटे जी, बिल्ली डेली रास्ता काटे। जब बिल्ली ने रास्ता काटा, मैंने अपनी पहली गाड़ी परचेस करी जब बिल्ली ने रास्ता काटा, पहली बार मैं विदेश गया। तो ये तो आपके मन का सोच है, देखिए मेरी बात सुनिए। जैसे आप किसी एक बहुत अच्छे काम के लिए जा रहे हैं,
कुत्ते बिल्ली ये जितने भी पशु हैं हम सब इनको प्रेम करते हैं, करना भी चाहिए हमें, लेकिन किसी के रास्ता काटने से शगुन अपशगुन बहुत पहले माने जाते थे। कुछ शगुन अपशगुन होते हैं जैसे गौ माता जी, जो 33 करोड़ देवी देवताओं का स्वरूप मानी गई है, अगर आप घर से निकले और गौ माता ने छींक दिया तो ये मृत्यु सूचक है शास्त्र में, तो आपको वापस आ जाना चाहिए जी। मैंने सामान्य बिल्ली का नहीं बोला, मैंने बोला काली बिल्ली, रात्रि में जैसे नवरात्र में दिख जाती है कई बार, नेवला दिख गया तो कुबेर का प्रतीक है, ठीक है। एक दो मुंह वाला सांप होता है जिसको कई क्षेत्रों में दुमोई बोलते हैं जी, आपने देखा होगा, 6 महीने ये वाला फेस काम करता है, उसका 6 मंथ ये काम करता है जी। एक बार मैं भगवान शंकर का तांत्रिक रुद्राभिषेक करके आ रहा था, मुझे किसी ने बताया आप करिए आचार्य जी, मैंने किया, उसके बाद वो सर्प मेरे को दिखा और मेरी दिवाली बहुत जबरदस्त गई जी। दिवाली वॉज लाइक बहुत जबरदस्त दिवाली गई। केशव जी, जितना मैं समझ पाया हूँ महाविद्याओं के बारे में कि ये कहीं ना कहीं रिलेट करती है तंत्र से, और जब भी तंत्र की बात आती है तो लोग सीधा समझते हैं काला जादू, तांत्रिक, इनसे लोग रिलेट करते हैं, और एक और चीज़ बहुत ही कॉमन होती है इन सब में, होती है बलि। तो क्या ये सच में तंत्र और तांत्रिक से रिलेट करती है महाविद्याएँ, और बलि देना ज़रूरी है? देखिए, साधना का मतलब क्या है, देवी देवताओं की साधना से पहले साधना का मीनिंग समझिए आप जी। मैं यहाँ पे आपको दो मीनिंग बताऊंगा, पहला मीनिंग बताऊंगा साधना क्या है, और दूसरा बगलामुखी माता का जो बीज मंत्र है उसका मीनिंग क्या है, ये आपको जरूर जानना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को पता नहीं है, वो कर लेते हैं, उनको नुकसान होता है, फिर हमारे पास ऐसे काफी कॉल्स आते हैं इसलिए। तो आप सबसे पहले ये ध्यान रखिए, अपने आप को साधना सबसे बड़ी साधना है। अगर आप साधना में बैठे हैं, पूजा में बैठे हैं, भोजन के बारे में सोच रहे हैं, आपके माइंड में चाउमीन चल रही है, समोसे चल रहे हैं, ठीक है, अगर आप साधना कर रहे हैं और कल के बारे में पहले ही सोच रहे हैं आप, तो कल के बारे में अगर आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं तो फिर माई क्या करेगी आपके लिए, देवी क्या करेगी जी। तो पूरा ध्यान आपका देवी के ऊपर होना चाहिए साधना में। दूसरा, माँ बगलामुखी बीज मंत्र की मैं थोड़ी सी व्याख्या आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये कुछ लोग इसको हिलीम भी बोलते हैं, हलरीम भी बोलते हैं, हिलिंग भी बोलते हैं, ये सारे ही बीज मंत्र ठीक हैं, लेकिन आपके गुरु बताएंगे कि कौन सी कुलाचार परंपरा से आपको ये करने हैं। गुरु विल डिसाइड दैट कि आपको हिलीम करना है, हिलरीम करना है। अब इसमें है और ले, सो है तो है आकाश तत्व और ले है पृथ्वी तत्व। तो जैसे आपने देखा एक फ्लाइट होती है, पहले रनवे पे होती है वो, फिर वो आकाश की तरफ चली जाती है। तो है और ले का मतलब है साधक नीचे पृथ्वी पे, मतलब पृथ्वी तत्व पे बैठ के आकाश तत्व की साधना है। दैट मीन्स अगर आप हिलीम मंत्र का जप करते हैं, माँ बगलामुखी की साधना करते हैं गुरु दीक्षा के बाद, तो आप रॉकेट की तरह ऊपर जाएंगे। बिकॉज है क्या है, आकाश तत्व, ले क्या है, पृथ्वी तत्व, तो ये ऊपर जाने की साधना है। आप सबसे ऊपर पहुंच जाएंगे, सबसे ऊपर पहुंचेंगे। सो दिस इज द गॉडेस बगलामुखी जी। एक चीज और मैं जानना चाहूँगा आपसे कि गुप्त नवरात्रों के दौरान क्या कोई एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से क्या कुछ ऐसे स्पेशल रेमेडीज है, कुछ उपाय हैं जो हमें कर लेने चाहिए अभी? नहीं, किस चीज़ के लिए उपाय कर लेने चाहिए? देखो, उपाय लोगों की जो मेनली काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स होती ना, वो होती है पैसे से रिलेटेड, कैश, करियर, रिलेशनशिप, काफ़ी लोगों के कोर्ट केसेस चल रहे होते हैं। तो आप मुझे बताइए पहले कौन सा उपाय बताऊँ? हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कैश के बारे में, जो सबको चाहिए। हाँ, क्योंकि कैश होगा तो रिलेशन चलेगा। देखो ये तो सो आज के टाइम पे यही, अगर कैश नहीं होगा तो रिलेशन नहीं चलेगा जी। बिकॉज इफ यू गोइंग समवेयर विद समवन, 4-5 हज़ार का तो बिल आएगा ना। ये तो 50 रुपए का खाना तो किसी को खाना नहीं पसंद है। तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द कैश, देन वी विल टॉक अबाउट द रिलेशनशिप। उसके बाद अगर रिलेशनशिप के बाद कोर्ट केस हो जाता है आपका, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस कर सकते हैं, देयर इज नो इशू। तो कैश के लिए एक छोटा सा आप काम करें। देखिए, सिटीज में लोग रहते हैं, गाँव में काफी सारी चीजें आप कर सकते हैं। शहर में एक फ्लैट में अगर आप रहते हैं, बैचलर हैं, तो क्या कर सकते हैं आपको मैं 100 रुपए का एक उपाय बताता हूँ। 100 रुपए तो देखिए, 1 लाख पाने के लिए 100 रुपए तो खर्च कर ही सकते हैं, 50 रुपए का भी उपाय कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कम से कम में आप कर सकते हैं, आप नव दुर्गाओं में, दैट मीन्स गुप्त नवरात्र 6 से 15 जुलाई जो आ रहे हैं, आप उसमें एक मिट्टी का दीपक ले लीजिए, 2 रुपए का मिल जाएगा। उसमें देसी घी थोड़ा डाल लीजिए, गाय का, एक्चुअल गाय का घी होना चाहिए, वो मिलावट वाला घी नहीं होना चाहिए। उसमें बाती आपने लगा ली, उसको आप लाइट कर दीजिए, जला दीजिए। उसमें थोड़ा सा केसर डाल लीजिए, केसर के लिए कैश नहीं है तो हल्दी डाल लीजिए जी, 2 इलायची 2 लौंग और थोड़ा सा कपूर। कौन सा कपूर? देसी कपूर, दैट मीन्स भीम सेन कपूर। और उसको रात को 11 बजे देवी के मंदिर में जला दीजिए, अपने घर पे जला दीजिए मंदिर में जी। 11 कोशिश करें इतना घी डालें कि 11 से 1 बजे तक वो जले रात्रि में,
या बाद में भी घी डाल सकते हैं, कम से कम दो घंटे, दो घंटे, 9 days में आपकी किस्मत बदल जाएगी, 9 days में बैंक बैलेंस चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं मांगना उसके बाद। अगर वो अल्टीमेट सुप्रीम पावर है, वो त्रिकालदर्शी है, तो पता लगा लेगी बच्चे को क्या चाहिए, भगत को क्या चाहिए। डोंट आस्क एनीथिंग, मांग के माई को छोटा ना करें। आपने कटोरा इतना फैलाया और वो इतना देना चाहती है, फिर वो इतना ही देगी आप, जितनी आपकी बकेट होगी, हो सकता है उससे देना ज़्यादा देना चाहती है वो। डोंट आस्क, आस्क फॉर कृपा एंड ब्लेसिंग्स ओनली। और ये जो दिया मैंने बताया, इसको बोलते हैं सम्मोहन, धन सम्मोहन दिया, आप इसको जलाएं, जो मैंने बताया आपको जबरदस्त कृपा मिलेगी इसमें। और इसमें अट्रैक्शन चाहिए, कृपा चाहिए, तो गुलाब या चंदन का ओरिजिनल इत्र बिना एल्कोहल वाला इसमें आप डाल दीजिए 2 बूंद, आपको जबरदस्त कृपा मिलेगी जी। इसके बाद हम बात करना चाहेंगे थोड़ा सा रिलेशन के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, क्योंकि पैसा तो आ गया है। अब रिलेशनशिप को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं हम? देखिए, रिलेशनशिप सबसे पहले आप जर्नल हम बात करें, रिलेशनशिप क्यों खराब हो जाते हैं जी? अंडरस्टैंडिंग नहीं होने पे खराब हो जाते हैं, ईगो क्लैशेस होते हैं जी, ठीक है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें होती हैं सामने वाले से, वो उम्मीदें पूरे नहीं होती तो चीटिंग होने लगती है। आप इसमें अपने मन को स्ट्रांग बनाएं, अर्थात चंद्रमा को स्ट्रांग करें आप। चंद्रमा स्ट्रांग होगा तो सब ठीक हो जाएगा। अगर आप बिना पैसे की रेमेडी करना चाहते हैं, तो पूर्णिमा के दिन, फुल मून के दिन चंद्रमा के सामने जाके रात में खड़े हो जाएं एंड टॉक टू हिम, जो भी मन में सब बता दो, सब निकाल दो, वोमिट कर दो वहाँ, वो सुनेगा रिलेशनशिप के बारे में जी, ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, मैनिफेस्टेशन हो जाएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, चंद्रमा ठीक कर देगा। ये नहीं करना चाहते हैं तो चंद्रमा की एक फोटो, फुल मून की एक फोटो अपने बेडरूम में नॉर्थ कॉर्नर में आप लगाएं, उससे आपका बेडरूम में नॉर्थ कॉर्नर में उसकी तरफ पैर नहीं जाने चाहिए, आप उधर पैर नहीं होने चाहिए। अगर नॉर्थ में आपने लगाया तो आपके पैर उधर नहीं होने चाहिए, आपका रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा जी। दूसरा, अगर आप ये भी नहीं करना चाहते हैं, तो दो पार्टनर्स एक दूसरे को ट्यूसडे के दिन शहद खिलाना शुरू करें, ट्यूसडे के दिन खाली पेट एक पार्टनर दूसरे को शहद खिलाए और दूसरा पार्टनर पहले वाले को शहद खिलाए, इससे भी आपका रिलेशनशिप ठीक होगा। किसी को लगेगा ये रबिश बात हो सकती है, रबिश नहीं, आप करके देख लेना, पंद्रह साल से लोग कर रहे हैं इस चीज को, 15 साल से कर रहे हैं। और इसके अलावा एक रेमेडी और मैं आपको बताता हूँ, अगर आप चाहते हैं जबरदस्त अट्रैक्शन आपका बना रहे, अट्रैक्शन जी, तो आप दालचीनी, जिसको सिनेमन बोलते हैं, सिनेमन, उसको खाली पेट थोड़ा सा टुकड़ा लीजिए और उसको चबाना शुरू कीजिए। अगर आप उसको चबाना शुरू करेंगे डेली, 15 दिन में, 7 दिन में आपको रिजल्ट नजर आएगा कि मेरा अट्रैक्शन बढ़ रहा है, रिलेशनशिप में भी, करियर में भी, बिजनेस में भी, क्लाइंट्स भी मिल रहे हैं, लोग आपसे बात करना पसंद कर रहे हैं। ये रेमेडीज आप कर सकते हैं, रेमेडीज मैंने वो बताई जो बैचलर्स भी कर सकते हैं जी। इसके अलावा एक चीज़ मैंने आपसे और पूछी थी, जो कि थी कोर्ट केसेस से रिलेटेड। काफ़ी लोगों के चलते हैं जमीन पर, जमीन को लेके केस है, पार्टनर्स के आपस में हैं, बिजनेस पार्टनर्स के हैं। देखिए, कोर्ट केसेस एक बड़ा मसला है जी हमारे इंडिया में, आपको पता है लंबे कोर्ट केसेस चलते हैं, बहुत लीगल हियरिंग्स होती हैं। तो कोर्ट केसेस में आप ये कर सकते हैं कि आप उसको फेवर में कर सकते हैं, कोर्ट केस को अपने फेवर में करने के लिए मंगल शनि की पूजा करें। मंगलवार को आप क्या करें, हनुमान जी को आप थोड़े से लाल पुष्प चढ़ाएं और गुड़ आपने सुना होगा, जैगरी जिसको बोलते हैं, तो जैगरी, गुड़ चढ़ाएं, लाल पुष्प चढ़ाएं, ये 2 चीज़ें आप मंगलवार को चढ़ाएं, हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं अगर करना चाहें। और शनिवार के दिन आप क्या करें, अगर आपको शनिवार को कोर्ट केसेस अच्छे करने हैं, आप चाहते हैं कोर्ट केसेस अच्छे हो जाएं, भगवान शनिदेव की कृपा आपको मिले, तो आप कौओं को, जो क्रो होते हैं, उनको थोड़ा थोड़ा पनीर खिला सकते हैं। और अगर ये भी ना करना चाहें, तो सैटरडे के दिन फ्री का उपाय है, पीपल का जो पेड़ है, पंच देवताओं का प्रतीक है, 5 देवता हैं उसमें, विष्णु जी हैं, शंकर जी हैं, दुर्गा, गणेश, सूर्य, ये सब देवता वहाँ पे विराजमान हैं। आप उसकी 7 परिक्रमा चक्कर लगाएं, प्रदक्षिणा जिसको बोलते हैं, प्रणाम करें और वापस आ जाएं, दैट्स इट। केशव जी, एक सवाल है, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा वियर्ड लगे आपको। मान लो 2 लोग हैं, दोनों के आपस में कोर्ट केसेस हैं, दोनों ही हमारे पॉडकास्ट देख रहे हैं, दोनों ने ही सेम उपाय किया, तो क्या ये उपाय दोनों के लिए कैसे काम करेगा? काम करेगा, जिसका भाव ज़्यादा सॉलिड होगा उसके लिए काम करेगा जी। आप देखिए, अगर एक माँ के 2 बच्चे हैं, लेकिन एक बच्चा माँ को ज़्यादा स्नेह करता होगा और दूसरा बच्चा स्नेह करता होगा लेकिन बात टाल भी देता होगा, ये आपकी गुडविल के ऊपर है, ऊपर वाले से आपकी गुडविल कैसी है। इसका मतलब ये है आपका भाव कितना स्ट्रांग है। एक आदमी धूप में 5 मिनट खड़े रह सकता है, अभी जो 48-49 टेम्परेचर चल रहा है, एक 10 मिनट खड़े रह सकता है, दोनों ही आर्मी में है,
आप बताइए, दोनों आर्मी में है लेकिन एक 10 मिनट खड़ा रह सकता है, एक 5 मिनट खड़ा रह सकता है, तो हम ये थोड़ी बोलेंगे 5 मिनट वाला यूजलेस है, बिल्कुल यूजलेस नहीं है। तो जैसा आपका प्रारब्ध है, जैसा आपने कर्म किया, जितने भाव से आपने मांगा, देखिए मांगने से तो कृष्ण मिल जाएगा अगर आपका सुदामा का भाव है जी, है ना। तो माँ बगलामुखी साधना भी, और जो आप पूछ रहे हैं, आप उपाय के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन अब मेरे को बात याद आई है, मैं बता देता हूँ। अगर आप दानवीर कर्ण जैसे हैं, आप मतलब आप दान करके भूल जाते हैं, या फिर आपका भाव सुदामा की तरह है कि चावल का आखिरी टुकड़ा भी आपने कृष्ण को दान दे दिया, तो माँ आपसे प्रसन्न हो जाएंगी, हर देवता आपसे प्रसन्न हो जाएगा। फिर देवता चाहेंगे कि ये कितने बजे बैठेगा, देवता देखेंगे घड़ी फिर कि ये कितने बजे, 7 बजे की आरती का समय हो गया, मेरा भक्त आने वाला है, तो देवता चौकी पे पहुंच जाएगा, खड़ा हो जाएगा आपको आशीर्वाद देने के लिए। ये कृपा है, जितना भाव होगा उतना रिजल्ट मिलेगा जी। क्या कैसे जी, जो आपने जो रेमेडीज बताए, जो उपाय बताए हैं, ये हर कोई कर सकता है या फिर कोई स्पेसिफिक राशि वाला या फिर कुछ और भी देखना पड़ता है? नहीं, देखिए आपको स्पेसिफिक रिजल्ट चाहिए तो आपको अपनी जन्म कुंडली का कस्टमाइज करके अध्ययन करवाना चाहिए। अगर मैंने बोल दिया कि मिथुन राशि, कर्क राशि वालों के ऊपर ढैया चल रही है, वृश्चिक राशि वालों के ऊपर ढैया चल रही है, लेकिन इन राशियों में किस कुछ लोगों का राजयोग भी चल रहा होगा, कुछ लोगों का थोड़ा दरिद्रता का योग भी चल रहा होगा, कुछ स्ट्रगल भी कर रहे होंगे, तो आपकी आप जब पर्सनलाइज जन्म पत्री अपनी दिखाएंगे तो पता लगेगा कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्या नहीं होना चाहिए था, क्या हो गया, एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन। So, ये कस्टमाइज पर्सनलाइज होके फिर पता लगेगा आपकी जन्म पत्री जी। अभी आपने बात की ढैया के बारे में, एक और चीज़ होती है साढ़े साथी, मैं बस आपसे इतना जानना चाहता हूँ थोड़ा सा, काफ़ी लोग कहते हैं कि साढ़े साथी अच्छी होती है, ढैया अच्छा होता है कुछ लोगों के लिए, और ज़्यादातर लोगों के लिए बहुत ही नेगेटिव होते हैं। देखिए अगर आप ज्योतिष के ज्ञाता होंगे तो आपको पता होगा ढैया और साढ़े साथी ये केवल शनि की दशाओं के नाम हैं। शनि एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं तो उसको ढैया बोलते हैं जी, और हर 7.5 साल के लिए वो 7.5 ही बनती है, उसको हम 7.5 ही बोलते हैं ठीक है। तो अभी जैसे ढैया और 7.5 ही अगर शनिदेव की मित्र राशियों में है, जैसे इससे पहले मिथुन पे थी, मिथुन बुध की राशि है, शनिदेव के साथ मित्रता है, सम है, इसी तरह से तुला की ढैया चली थी जनवरी 17 तक, तो तुला शुक्र की राशि है, वो शनि के मित्र हैं। अभी कर्क मतलब चंद्रमा पे चल रही है, चंद्रमा की राशि कर्क पे चल रही है शनि की ढैया, और वृश्चिक पे चल रही है जो मंगल की राशि है, दोनों ही शनि देव के मित्र नहीं है। चंद्रमा और शनि मिलके विषयोग बनाते हैं और मंगल के साथ शनि की मित्रता नहीं है, तो कर्क राशि वालों को और वृश्चिक राशि वालों को सावधान रहना चाहिए। अगर आप शनिदेव की राशि के हैं, जैसे मकर राशि के हैं, कुंभ राशि के, शनिदेव की राशियाँ हैं जी, तो शनिदेव आपको कष्ट नहीं पहुँचाते। कोई भी अपने घर में रहने वाले किराएदार को लैंडलॉर्ड कष्ट नहीं पहुँचाएगा, वो उसे डांट सकता है भाई मोटर बंद कर दो, पानी बंद कर दो, राइट, लेकिन उसको कष्ट नहीं पहुंचाएगा क्योंकि रेंट तो वहीं से आना है, किराया नहीं आया इस बार। हाँ ये आप समझ गए मैं समझा रहा हूँ जी 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 जी। एक और चीज़ है केशव जी, आप ना बहुत अच्छे से समझा रहे हैं हमें, और पता है जो क्वेश्चन है ना, प्रश्न है, वो आते ही जा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि कैश की अगर बात करें, पैसे की अगर बात करें, तो या फिर धन, अगर मैं हिंदी में बोलूँ धन, धन के देवता लोग कहते हैं कुबेर हैं, कोई कहते हैं लक्ष्मी जी हैं, आखिर धन के देवता हैं कौन? देखिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा धन की उत्पत्ति कहाँ से हुई जी, ठीक है। शास्त्रों के हिसाब से धन है ना भूमि से आता है। कैसे आता है भूमि से? शायद सोना जो धरती से निकलता है। हाँ ये भी ठीक है, आपका कहना सही है, लेकिन खरा सोना किसको बोलते हैं? फसल। फसल जी, फसल होती है, कृषक किसान फसल काटते हैं, जो गांवों से होंगे वो रिलेट कर रहे होंगे जी, उसको बेचते हैं, पैसा आता है। माता जानकी भी हल चलाते हुए निकली थी जी, ठीक है। जो माँ लक्ष्मी है वो भी समुद्र मंथन के द्वारा पानी से निकली, लेकिन पाताल से ही निकली थी जी। तो कहने का मतलब आपकी आपके लाइफ में, राशि में, जन्मपत्री में पृथ्वी तत्व सॉलिड होना चाहिए। पृथ्वी तत्व अगर सॉलिड करना है तो एक बीज है लम, ले में लम, उसका चैंटिंग करो आप डेली, लम 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 चैंटिंग 5 मिनट करेंगे तो आपको जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे, अट्रैक्शन बढ़ेगा, मनी बढ़ेगी जी। और आपने बोला धन के देवता, देखिए कुबेर तो धन के मुनीम है या फिर खजानची है या कैशियर है, भगवान शंकर ने उनको ये उपाधि दी है कि आप धन का संरक्षण करो। धन आता है केवल परम लक्ष्मी की कृपा से, माता महालक्ष्मी, माता बगलामुखी, इनकी कृपा से धन आपको मिलता है, सारी देवियां धन देती हैं,
लेकिन अधिष्ठात्री जो मानी गई हैं वो अष्टलक्ष्मियाँ या महालक्ष्मी लक्ष्मी मानी गई हैं, जो नारायण के साथ क्षीर सागर में वास करती हैं। दूसरा, भगवान शंकर भी जबरदस्त धन देने वाले देवता माने गए हैं, क्योंकि उनके पास भी धन देने का अधिकार है। माता लक्ष्मी को ये अधिकार उन्होंने ही दिया, ठीक है। इस तरह से स्वर्ण आकर्षण भैरव है, वो भी धन दे सकते हैं, लेकिन धन को खर्च करना पड़ेगा। अगर आप धन पे बैठ गए, जैसे कुबेर महाराज बैठे रहते हैं, तो आपने देखा हो ना कुबेर जी का पेट बड़ा हुआ है जी, तो फिर रोग शोक दुख व्याधियां आने लग जाएंगी। तो उसका जैसे पानी का फ्लो बनना चाहिए, नहीं तो पानी सड़ जाता है एक जगह, धन का कैश का फ्लो बना के रखिए। एक छोटी रेमेडी और बता देता हूँ मैं आपको, हमेशा चंद्र नाड़ी से आप कैश लें। अगर कोई आपको पेमेंट कर रहा है, आप पैसे ले रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड से आप कैश लेंगे जी, हाँ, तो आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिव हो जाएगी। और उस समय आपको थैंक्स बोलना है धन को। आपको क्या बोलना है? थैंक्स। थैंक्स बोलना है कि लक्ष्मी माता मेरे पास आ रहे हो, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आते रहें इसी तरह से और कभी वापस ना जाएं। और जब आप कैश चुका रहे हैं, तो सूर्य नाड़ी से चुकाएं और बोलें जो मैं दे रहा हूँ मेरे पास वापस आए, राइट हैंड से, राइट। इससे आपका कैश बढ़ेगा। दूसरा, अगर आप धन और अच्छा कमाना चाहते हैं, तो आपका जो ये शुक्र पर्वत है, इस पे आप थोड़ा इत्र लगा सकते हैं, हाँ, दोनों ही हाथों पे, ये अंगूठे के नीचे वाला पार्ट है उभरा हुआ, जिसका शुक्र पर्वत उभरा होता है, थोड़ा हैवी होता है जी, हाँ, तो वो यहाँ पे इत्र लगा सकता है। लेकिन अगर शुक्र खराब है, छठे घर में बैठा है, आठवें बारे में, तो इत्र ना लगाए। फिर यहाँ पे 33 लिख लें, ग्रीन पेन से 33 यहाँ पे लिखिए और राउंड कर दें उसको, गोले के अंदर लिखिए, मनी लॉक बोलते हैं इसको, डेली लिखें, मिट जाता है तो दोबारा लिख सकते हैं। कैश देखिए फिर कैसे बरसता है। ये मैं जरूर ट्राई करने वाला हूँ, और मुझे पता है काफ़ी लोग जो भी हमें देख रहे हैं वो ट्राई तो करने ही वाले हैं। इसके अलावा केशव जी, धन के बाद ना एक चीज़ और आती है, जब भी आपके पास धन आ जाता है, आपके सारे काम बनने लग जाते हैं। क्योंकि जैसा आपने बताया ना कि माँ बगलामुखी की उपासना करो, उनकी पूजा करो, तो उनसे ना आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। अब जब सारी प्रॉब्लम किसी की दूर हो जाती है ना, तो हमारे जो आसपास के लोग होते हैं ना, वो हमसे ना जेलस हो जाते हैं, जलने लग जाते हैं। फिर एक चीज़ उठ के आती है, ब्लैक मैजिक, जो कि लोग करवा देते हैं या करते हैं। अच्छा, ब्लैक मैजिक करवा देते हैं, पूछ रहे हैं जी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हम कैसे सतर्क रह सकते हैं, और क्या क्या रेमेडीज ब्लैक मैजिक से बचने के लिए हमें पता होनी चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, ब्लैक मैजिक हर किसी पे नहीं किया जा सकता। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए जी कि ये जितने भी मंत्र हैं, पौराणिक मंत्र हैं, वैदिक मंत्र हैं, शापर मंत्र हैं, भगवान शंकर की देन है, बड़े दयालु कृपालु देवता हैं, ठीक है। भगवान शंकर जब ये ज्ञान बता रहे थे, तो नाथ संप्रदाय के बहुत बड़े उपासक गुरु हैं मच्छेंद्रनाथ, उन्होंने सुन लिया था, तो उन्होंने जन कल्याण के लिए सबको बता दिया नाथ संप्रदाय के। लेकिन ब्लैक, अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है जी, अगर आपका ईस्ट देवता मजबूत है, आप डेली चैंटिंग्स करते हैं, अगर आपके अंदर नेगेटिविटी नहीं है, अगर आप अपने खाने में रॉक सॉल्ट यूज करते हैं, सेंधा नमक जिसको बोलते हैं जी, तो इन सारे, और डेली आप शावर लेते हैं, मतलब ये कुछ चीज़ें हैं, गंदे वस्त्र नहीं पहनते हैं, किसी के उतरे हुए वस्त्र कभी ना पहने, ठीक है। तो अगर ये ऑरा आपका स्ट्रांग है, तो आप पे ब्लैक मैजिक असर नहीं करेगा, और करेगा तो 2% 3% असर करेगा, आपका देवता आपको बचा लेगा, आपकी एंजल आपको बचा लेगी। फिर भी अगर आपको लगता है नेगेटिविटी है, वास्तु खराब है, किसी ने कुछ कर दिया, नज़र दोष है, जो भी, तो आप अपने घर के चारों कोनों में ग्लास बाउल्स, तो कांच के कटोरी होती है बाउल्स, उनमें सेंधा नमक भर के रख दो, महीने में एक बार चेंज कर लो। घर की चार डायरेक्शंस में कहीं भी आप सेंधा नमक रखो, उनको महीने में चेंज करते रहो, बस ये सबसे अच्छी रेमेडी है। और कुछ करना है तो लौंग कपूर हर शनिवार जलाते रहे। ये भी नहीं करना है तो आप नींबू ले लीजिए, 7 बार अपने शरीर से उसार दीजिए एंटी क्लॉकवाइज, उसके बाद गैस पे रख दो उसको, वो फूट जाएगा, हो गया आपका काम। अगर वो फूट गया तो ये एक ब्लेसिंग है आपके लिए, अच्छी बात है, बस इसी तरह से आप ठीक कर सकते हैं। ब्लैक मैजिक के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए हमें, बस अपने अपनी लाइफ को पॉजिटिव कैसे करें, पॉजिटिविटी की तरफ कैसे जाएं, ये आपको ज़्यादा सोचना चाहिए जी। केशव जी, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा आपको, इतना तो मैं समझ पाया हूँ जितना हमारी ऑफ कैमरा काफ़ी बातें हुई, ऑन कैमरा हमारी काफ़ी बातें हो रही हैं, कि आपके पास ना बहुत कुछ है बताने को। किसी भी चीज़ के हम रेमेडीज़ के बारे में बात कर सकते हैं, किसी भी टाइप के हम प्रॉब्लम आपसे डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी उपाय हम आपसे जान सकते हैं। इसके अलावा भी ना आप बहुत कुछ हमें बता सकते हैं अपनी, हमारी लाइफ के बारे में, हमारे धर्म के बारे में, और ढेर सारी चीज़ें। मैं चाहूँगा कि हम ना दोबारा से मिलें और बहुत कुछ ऐसे डिस्कस करें, लोगों के लिए एक
दूसरा पॉडकास्ट भी लाएं, दूसरा पार्ट भी लाएं, और इसके लिए मैं लोगों से थोड़ा जानना चाहूंगा कि उनके जो भी क्वेश्चंस और जो भी फीडबैक्स हैं वो कमेंट्स बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। आचार्य केशव जी से वो जो भी जानना चाहते हैं आप डायरेक्टली उनको भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इनकी सारी ही डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन है। ये वीडियो, ये पॉडकास्ट आप सभी लोगों के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपने परिवार के साथ जरूर से जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी पता लगे कि कैसे गुप्त नवरात्रे उनके लिए हितकारी हो सकते हैं। केशव जी, मैं जानना चाहूँगा आखिर में आपसे कि क्या कोई ऐसा मंत्र है जो हमें पता होना चाहिए इसके बारे में। देखिए, गुप्त नवरात्र या किसी भी नवरात्र या रेगुलर भी आप एक मंत्र जप सकते हैं, ये ध्यान है देवी का। अगर आप माँ दुर्गा का ध्यान है, जैसे आपको पता है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः, इसी तरह से माँ बगलामुखी का भी ध्यान है, मध्य सुधाब्धिमणि मंडप रत्न विद्याम सिंहासनो परिगताम परिपीत वर्णाम पीताम्बर भरण माल्य विभूषितांगी देवी नमामि धृत मुद्गर वैरी जीवा। ये कठिन है, इसको आप अपने डिस्क्रिप्शन में दे देना। इसको एक बार पढ़ने से 24 घंटे ठीक हो जाएंगे आप, तो 30 दिन में बस 30 बार एक बार पढ़ लो आप। दिन में एक बार पढ़ो, दिन में एक बार ही पढ़ लो, सुबह सुबह ही, इतनी ही आप कृपा कर दो, बस उसी में आपके ऊपर कृपा हो जाएगी। केशव जी, आपसे मैं बहुत जल्द दोबारा मिलने वाला हूँ, और मैं आपसे ना ढेर सारे मंत्र लेने वाला हूँ, और अपने ऑडियंस को भी बहुत कुछ बताने वाले हैं, ताकि उनके ढेर सारे मंत्र काम नहीं करेंगे, एक ही मंत्र काम कर जाएगा, बस उसी को ढेर सारी बार आपको कर लेना है। ठीक है, ठीक है, तो ऐसा ही हम करने वाले हैं। बाकी हम बहुत जल्द दोबारा से मिलते हैं। केशव जी, आपका बहुत 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 धन्यवाद हमें माँ बगलामुखी जी के बारे में बताने के लिए, उजागर करने के लिए, उनके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें, गुप्त नवरात्रों के बारे में इतना ज़बरदस्त जानकारी देने के लिए। और भी ढेर सारी बातें हमने की हैं, काफ़ी सारी बातें ऐसी जो मैं आपसे करना चाहता हूँ अगले पार्ट में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माई की। जय माई।